तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम एक्सेल वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में यूजर फॉर्म के बारे में जान रहे हैं, और हम यूजर फॉर्म एक डिजाइन करने जा रहे हैं जिसमें हम एक्सेल से डेटा को यूजर फॉर्म पर लोड करेंगे। लास्ट क्लासेस में हमने आपको बताया था कि यूजर फॉर्म से डेटा एक्सेल पे कैसे जाएगा, राइट सर? जी आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यूजर फॉर्म पे डेटा कैसे लोड करेंगे। जैसे आपके सामने एक डेटा दिख रहा है यहाँ पे, जिसमें आईडी है, नेम है, सिटी, क्वांटिटी, एमआरपी, अमाउंट, ये आपको दिख रहा होगा। अब मैं इसी का डेवलपर में जाके विजुअल बेसिक में हम एक यूजर फॉर्म डिजाइन करते हैं, और इस यूजर फॉर्म पे सेम जो है हम डालते हैं। तो सबसे पहले हम आईडी लेते हैं, आईडी, क्योंकि आईडी हमारा यूनिक है। यहां भी जैसे लुक वी लुकअप में होता था ना, ऐसे यहां भी आपको यूनिक आईडी रखना पड़ेगा, कि एक यूनिक आईडी यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद ये आपका नेम आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पे सिटी आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपकी क्वांटिटी, यहाँ आपकी एमआरपी, और यहाँ पे आपकी अमाउंट। ठीक है, मैं इसको सेम साइज कर देता हूँ। फॉर्मेट पे जाके मैं के सेम साइज बोथ, और अलाइन कर देता हूँ मैं दैट। और इसका जो हेडिंग है, हेडिंग डाल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे नेम, नेम, और इसके बाद यहाँ पे सिटी, और फिर यहां पे क्वांटिटी। एमआरपी ये हमने डिजाइन कर लिया हुआ है सर। मैं छोटा सा डिजाइन कर लिया, क्योंकि बड़ा और अच्छे डिजाइन ज्यादा लगेगा, लेकिन छोटा सा फॉर्म हमने डिजाइन लिखा। आइडिया मिल जाएगा इससे। हाँ, एमआरपी आप अपने हिसाब से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे आईडी पे यहाँ एक शो बटन का क्लिक करता हूँ, आईडी लिखने के बाद, सॉरी, यहाँ बटन का एक, और यहाँ पे हम शो पे क्लिक करते हैं, SHOW, शो, राइट। तो जैसे हम इसे प्ले करेंगे, यहाँ पे नंबर डाल के शो पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास डेटा आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इस पे अब प्रोग्रामिंग करते हैं। तो प्रोग्रामिंग में हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले तो एक वेरिएबल लेते हैं, डिम आर एज ए, हमने यहाँ पे लॉन्ग ले लिया। फिर आर इक्वल टू पे फॉर्मूला लगाया मैच का, कि मैच मैच डायरेक्ट नहीं लेगा, या फिर मैच ना लगा के मैं यहाँ पे एक दूसरा तरीका अपनाता हूँ, चाहिए डिम आर एज ए। दो तरीका मैं बताऊंगा इसको, ठीक है? पहला तरीका है एक्सेल का तरीका, जिसमें हमने कर दिया लॉन्ग, और हमने यहाँ पे किया आर इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैच, और मैच को बोला कि भाई आईडी, तो यहाँ पे एक और वेरिएबल लेते हैं हम, डिम आईडी एज ए लॉन्ग, क्योंकि मैच के ए होता है ना, डेटा सेंसिटिव होता है, टेक्स्ट और
टेक्स्ट में अगर नंबर लिखा है, नंबर फॉर्मेट नंबर लिखा है, दोनों को मैच नहीं करता, इसलिए कन्वर्ट करने के लिए मैंने किया मी डॉट आई डी टेक्स बॉक्स वन, हाँ टेक्स बॉक्स वन डॉट वैल्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा आईडी को सर्च करना है किसमें, शीट्स, शीट्स के अंदर डेटा, डेटा डॉट रेंज ए बाई ए एंड कॉमा जीरो, तो ये रो नंबर निकाल के दे देगा, राइट जी। अब मुझे करना है मी डॉट टेक्स बॉक्स टू डॉट वैल्यू, और इस पे देंगे हम सीट्स, सीट्स के अंदर डेटा डॉट रेंज, इसमें ए के साथ हमारा कंबाइन हो जाएगा आर डॉट वैल्यू। तो ए तो नहीं है, बी है, नेम हमारा बी में है तो बी, इसको कॉपी पेस्ट पेस्ट, और बी के जगह यहाँ सी हो जाएगा, सी के जगह यहाँ पे डी हो जाएगा, डी के जगह यहाँ पे ई हो जाएगा, और थ्री फोर एंड फाइव, मतलब ये आईडी हो गया, नेम, सिटी, क्वांटिटी, एमआरपी, और एक लास्ट हमारा अमाउंट का सिक्स, और यहाँ पे ई के जगह पे एफ। अब देखिए अगर मैं शो करता हूँ और इसमें मैं डालता हूँ टू एंड शो, तो डिटेल आ गया जी। पर दिक्कत क्या होगा कि कुछ ऐसे नंबर आप डाल देते हो जो कि अवेलेबल नहीं है, तो आपको एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि ये मैच को एनए आएगा और ये एनए को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ को इसको इसको पास इसको पास आउट कराने के लिए लिखना पड़ेगा ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। लेकिन यहां पर यह भी देना पड़ेगा कि इफ एरर इज इक्वल टू जीरो देन इसको टाइप करें, फिर एल्स में ब्लैंक भी तो करना पड़ेगा हमें। तो सर आपने इफ के बाद ई डबल आर लिखा है, इससे काम हो जाएगा? नहीं, एरर क्या करता है कि अगर एरर हुआ तो इस पे कोई नंबर स्टोर हो जाता है। अगर इस पे कोई नंबर स्टोर नहीं है मतलब कि एरर नहीं है। तो टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट हमने इसको ब्लैंक कर दिया, कॉपी यहाँ पे पेस्ट 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 पेस्ट, यहाँ पे फाइव थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स ही तक है ना, और यहाँ पे एंड इफ, मतलब उसमें नंबर स्टोर होगा तो ऊपर वाला ले लेगा। ब्लैंक हो गया, मतलब यहाँ पे अगर मैंने नंबर अगर होगा तो रिजल्ट देगा, और मान लीजिए कि नंबर नहीं होगा तो ब्लैंक दिखेगा। अब ब्लैंक की जगह पे आप ये भी शो करवाना चाहते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ, सॉरी शो नहीं, यहाँ पे गलत कर दिया हमने, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, और टेक्स्ट बॉक्स में हमने यहाँ पे दे दिया लेवल, यहाँ पे हम फिलहाल ब्लैंक लिखते हैं, और फिर कंडीशन बार में जाके यहाँ पे हम बोलते हैं कि दिस, यहाँ पे मी डॉट लेवल, सबसे लास्ट वाला लेवल है लेवल सेवन डॉट कैप्शन। तो लेवल किसको गिनता है? लेवल जो हम लिखते हैं ना, जैसे नेम क्वांटिटी को जो ड्रैग, नेम उसको लेवल बोलते हैं, तो उसकी वैल्यू नहीं होती, उसकी कैप्शन होती है। ठीक है, दिस आईडी नॉट अवेलेबल, ठीक है, और मैं इसको रेड कर देता हूं इसमें जाके फॉन्ट में, फॉन्ट, अच्छा फॉन्ट में रेड नहीं होगा, कलर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, कलर ऊपर है ना, नहीं थे बैकग्राउंड कलर हो गया ना, मैं बॉर्डर कलर,
फोर कलर यह हुआ ना, फोर कलर। तो फोर कलर में हमने सिस्टम यहाँ पे पैटर्न में आया और हमने रेड ले लिया। हमें टेक्स को करना है रेड ना जी। अब मैं आईडी डालूंगा तो रिजल्ट आ जाएगा, और जैसे कुछ ऐसा डाल दिया जो कि अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे आईडी दिस आईडी नॉट अवेलेबल। लेकिन यहाँ पे फिर मैं वापस डाला तो ये दिस आईडी नॉट अवेलेबल नहीं हटा, नहीं हटा, क्योंकि वापस हटाने का कोड तो हमने डाला ही नहीं। तो आपको इस सब भी देखना पड़ेगा, तो मुझे वापस इसकी इसमें भी जाना पड़ेगा, राइट? ऊपर वाले पर डाल दो। तो आईडी यहाँ पे यहाँ इसको ब्लैंक कर देते हैं, हट जाएगा, ठीक है? तो एक तो अभी बाकी चीजें तो सेम रहेगी, बात आती है यहाँ पे ढूंढने की, बात आती है, समझ गया ना? तो मैच फॉर्मूला के थ्रू आप चल सकते हैं, समझ में आ गया? लेकिन अगर आप मैच फॉर्मूला ना लगाए तो क्या करेंगे? तो मुझे यहाँ पे के एज, मैं बाद में इसको हटा दूंगा, ठीक है? मुझे मैच फॉर्मूला ना लिखना पड़े तो कैसे क्या करूंगा? तो यहाँ पे लिखूंगा डिम आर एज ए रेंज, और लिखूंगा कि फोर एच आर नहीं होगा, के होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पे के के यहाँ पे फोर एच के इन आर के इन ये आपका रेंज, रेंज नहीं, यहाँ पे शीट देना पड़ेगा, शीट शीट डेटा, और इसको आप, मैं तो मैनुअल लिख देता हूं लेकिन आप इसको ऑटोमेट कर सकते हैं, ए टू से ए, मैंने 1500 दे दिया, तो यहाँ पे ये होगा ना 1500, ठीक है ना? और कंडीशन होगा कि इफ के डॉट वैल्यू इज इक्वल टू आईडी, देन ये हमने आर इक्वल टू के डॉट रो, और यहां पे एंड, ठीक है? इसको सब बता रहे एक बार और इफ वाले को क्या किया हमने, हमने सिंपल हमने बोला कि तुम इसके एक एक सेल में जाओ, एक एक सेल में जाओ और चेक करो कि इसकी जो वैल्यू है क्या वो के ऊपर है, मतलब कि आईडी है, समझे? आईडी अगर आईडी है तो जिस जिस जहां मैच किया उसका रो नंबर तुम आर पे स्टोर कर दो, समझ गए? ठीक है। और रो नंबर हमें मिल गया तो बाकी चीज चली सकती है क्या? ठीक है सर, सुनाया? लेकिन ये लेंथी प्रोसेस है, इसको आप हटा दीजिए, हम इसी प्रोसेस को अपनाते हैं। तो अभी आपने मैच वाला ठीक लग रहा है, हाँ, कि आपने देखा कि अब मैं किसी भी नंबर को यहाँ पे शो कर सकता हूँ, और जैसे नंबर शो नहीं होगा यहाँ पे, शो नहीं होगा तो आईडी दिख जाएगा, वापस मैं यहाँ पे नंबर डालूंगा, शो पे क्लिक करूंगा तो डेटा आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि मुझे शो पे क्लिक करना पड़ता है, मैं चाहता हूँ शो पे क्लिक ना करना पड़े, मैं आईडी डालू और मुझे यहाँ पे दिख जाना चाहिए। और सर एक चीज पूछ रहा था मैं, बोलिए। हेलो, हाँ सर, मैं कह रहा था कि जैसे इसमें हम जब प्ले करते हैं तो ये एक्सेल फाइल आ रही है साथ में, ये ना आए और डाटा तो है, आप किसी और सिस्टम में, हमें खाली किसी और यूजर फॉर्म दिखाई दे रहा सर, किसी और पे जाए करें। अच्छा, नहीं आपने जो फाइल भेजी थी सर उसमें सबसे पहले उसमें वो तो जैसे कि फॉर्म बन गया, फॉर्म आ रहा था डायरेक्ट स्टार्ट ही फॉर्म आ रहा, मैं डेटा को इवेंट चला रहा था सर। देखिए मैं डेटा को हाइड कर दूंगा, हाइड कर दिया, और हमारे इस सीट को इस पूरे रो को मैं हाइड कर देता हूं, और मैं इसको हाइड कर देता हूं, हाइड कर दिया, राइट सर? अब मैं इसके यहां प्ले करूंगा तो सिर्फ यूजर फॉर्म दिख रहा है आपको, सीट नहीं दिख रहा है जी जी,
और इसको और ऑटोमेट करने के लिए मैं दिस वर्कशीट में जाऊंगा और मैं यहाँ पे वर्कबुक एंड ओपन में कमांड डालूंगा कि सबसे पहले तो शीट टू डॉट एक्टिवेट और यूजर फॉर्म वन डॉट शो, समझ गए? अच्छा, तो अब क्या होगा कि मैं इस फाइल को सेव कर देता हूं, इसको सेव कर देता हूं और सेव करते समय मैं यहां पे यूजर फॉर्म वन कर देता हूं यहां पे सेव। अब जैसे ही मैं इस फाइल को ओपन करूंगा, कहां गया यूजर फॉर्म टू का, लुकअप टू ओपनिंग कर दिया मैंने, हमें यूजर फॉर्म ओपन करना चाहिए था ना ऊपर, तो ऊपर कहां पर यार यूजर फॉर्म वन, ठीक है जी जी हाँ वही तो लग रहा है, ठीक है जी। लेकिन अगर आपने इसको कैंसिल कर दिया तो फिर यूजर फॉर्म कैसे लाओगे? तो ये सर कैंसिल होना नहीं चाहिए ना, ऐसा है सर? कैंसिल नहीं होना, हो सकता है वो भी हो जाएगा, लेकिन वो आगे बताऊंगा, अभी फिलहाल नहीं। अच्छा, कल मैं जब आप उसको लॉगिन फॉर्म बना के बताऊंगा तो लॉगिन फॉर्म के जरिए उसको आप ये कर सकते हो। जी जी हाँ लॉगिन, हाँ सही बात है, लॉगिन आईडी से खुले है, उसी से। मैं कल इसके बारे में बताऊंगा, फिलहाल इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए, कल की क्लास में हम डिस्कस करते हैं बाकी चीजों पर, ठीक है सर? ओके सर, ओके बाय।